विधानसभा चुनाव में हुई थी बेईमानी, अखिलेश यादव के हाथ लगा सबूत। सबूत दिखाकर बोले अखिलेश यादव, हमारे जीते हुए उम्मीदवार को हराया। योगी सरकार की जीत पर अखिलेश यादव ने उठा दिए सवाल। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव को हार कर भी जीत गई थी बीजेपी। समाजवादी पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार को हरा दिया गया था। बीजेपी के हारे हुए उम्मीदवार भी जीत गए थे और जो बहुमत समाजवादी पार्टी को मिलना था वो बीजेपी के हिस्से में चला गया था। बीजेपी पर बेईमानी करके जीतने के आरोप समाजवादी पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे थे और साथ ही साथ इस बात का दावा भी किया जा रहा था कि जो परिणाम निकल कर सामने आए हैं वो बेईमानी करके हासिल किए गए हैं। दावा इस बात का किया जा रहा था कि हर कदम पर हेरा फेरी हुई है, ईवीएम में हुई है, काउंटिंग में भी की गई है और जो परिणाम निकल कर सामने आए हैं उसमें भी बड़े पैमाने पर हेरा फेरी को अंजाम दिया गया है। तो दूसरी ओर बीजेपी इस बात का दावा कर रही थी कि विपक्ष हार की खीज मिटा रही है, इसलिए वो लगातार आरोप लगा रही है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव पर सवाल उठा दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले साल हुए प्रदेश में विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन ने मिलकर विपक्ष के जीत रहे उम्मीदवार को बेईमानी से हरा दिया। धामपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़े नईमुल हसन 203 वोटों से जीत गए थे, लेकिन चुनाव परिणाम में हसन को हारा हुआ घोषित कर दिया गया। अखिलेश यादव ने इसके सबूत के तौर पर बीजेपी नेता का एक ऑडियो का जिक्र कर दिया। दावा इस बात का किया कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो इस ऑडियो की फॉरेंसिक जांच कराकर देखा जाएगा कि चुनाव के नतीजों में प्रशासन का कितना हस्तक्षेप रहा है। अगर ये सही पाया जाता है तो जनता को भी समझ में आ जाएगा कि चुनाव में किस तरह से बेईमानी हुई है। इसका तो ऑडियो सामने आ गया है। ऐसी कई सीटें हैं जिसके बारे में हमें जानकारी है जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीत गए थे, लेकिन अचानक ही खबर आई कि वहां से बीजेपी को जीत मिल गई है। एकदम से बीजेपी की सीटें कैसे बढ़ गई, इसकी जाँच होनी चाहिए, लेकिन जहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर ही हो पाएगी। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की जनता से कहा कि बीजेपी को हराने के लिए और संविधान को बचाने के लिए मतदान करना होगा। लोग बीजेपी को हराने के लिए बढ़ चढ़ कर वोट देंगे तो संविधान बचेगा। वैसे चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता पहले भी दावा कर चुके हैं। पार्टी ने इस बात का दावा कर दिया था कि जब पोस्टल बैलेट की गिनती हुई थी तो 403 सीटों में से 300 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे थी। पोस्टल बैलेट सरकारी कर्मचारियों के होते हैं और आमतौर पर यह माना जाता है कि सरकारी कर्मचारी बीजेपी का समर्थक होता है, ऐसे में वोट बीजेपी को ही देता है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के वोट में भी समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला था, जिसमें समाजवादी पार्टी को लगा था कि अब उसे आसानी से बहुमत मिल जाएगा, लेकिन ईवीएम की गिनती में बीजेपी का दबदबा दिखाई दिया। समाजवादी पार्टी अपने मजबूत किले को भी नहीं बचा पाई। जिस पश्चिम यूपी में किसानों के आंदोलन का जबरदस्त प्रभाव था वहां भी बीजेपी ही जीत गई। और अब अखिलेश यादव इस बात का दावा कर रहे हैं कि चुनाव पूरी तरह से फिक्स किया गया था। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी संकेत दे दिए कि जो भी गलती समाजवादी पार्टी से विधानसभा चुनाव में हुई उसे लोकसभा चुनाव में ठीक कर दिया जाएगा। जनता के एक एक वोट की निगरानी की जाएगी। मैनपुरी मॉडल पर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा। हर बूथ तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की मजबूत पकड़ होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार को भी निशाने पर ले लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। बरेली में प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के विधायक सहजल इस्लाम का पेट्रोल पंप तोड़ दिया, मगर वहां पर भाजपाइयों के अवैध नर्सिंग होम और पेट्रोल पंप है जिन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। सवाल इस बात के भी उठाए जा रहे हैं कि प्रदेश की सरकार अपनी पार्टी के इन अवैध कब्जों पर कब बुलडोजर चलवाएगी। योगी सरकार बुलडोजर के सहारे विपक्ष को डराने की पुरजोर कोशिश कर रही है। अखिलेश के तेवरों से साफ है कि लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। पार्टी को जमीन पर मजबूत करने के साथ साथ अखिलेश यादव अब योगी सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। सड़क पर उतरने की तैयारी भी हो गई है।